सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। कभी मायूस मत होना दोस्तों, जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले लेती है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने ना देना। खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। आज का पंचांग 24 जुलाई 2021 दिन शनिवार, अषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि सुबह 8:06 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र दोपहर 12:40 तक रहेगी। इसके उपरांत श्रवण नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:15 से 10:54 तक रहेगा। आज का बिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:06 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कर्क राशि पर रहेंगी। मकर राशि 24 जुलाई 2021 दिन शनिवार, आपको कुछ घटनाओं की तह तक जाना पड़ेगा। वर्तमान की कुछ घटनाओं के लिए वही पुराने कारण जिम्मेदार हैं जिससे आपकी इज्जत को काफ़ी ठेस पहुंची है। आपको काफ़ी आरक्षित और सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि कुछ लोग आपके रास्ते में बाधा बनने की कोशिश कर सकते हैं। आज ग्रह गोचर आपके आत्मविश्वास और आत्मबल को और अधिक प्रबल कर रहा है। अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक दृढ़ करें, इनसे आपको बेहतरीन लाभ मिलने वाला है। आध्यात्मिक गतिविधियों में भी कुछ समय व्यतीत करने से आत्मिक और मानसिक सुकून मिलेगा। अपनी गलतियों का एहसास आपको हो रहा है, केवल अपने अहंकार के कारण आप उन गलतियों को मान नहीं रहे हैं। लोगों के ऊपर अपना नियंत्रण रखने की कोशिश करेंगे लेकिन इसके द्वारा केवल आपको लोगों की नाराजगी या अपमान ही प्राप्त हो सकता है। जिस तरह की आज़ादी आप खुद चाहते हैं उसी तरह की आज़ादी दुष्टों को भी देने की कोशिश करनी होगी। काम से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए नए तरीकों को अपनाने की कोशिश करें। केवल अपनी बातों पर अड़े रहने की वजह से रिलेशनशिप में तनाव बना रहेगा। पेट से संबंधित समस्या को ठीक होने में वक्त लग सकता है। सावधानियाँ, कभी कभी अति आत्मविश्वास आने से आपके लिए नुकसानदायक स्थिति भी बन जाती है। समय अनुसार अपने स्वभाव में बदलाव लाएं, फिजूल खर्ची से परहेज करें तथा अपने बजट का ध्यान रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवारजनों के साथ मनोरंजन और मौज मस्ती में उचित समय व्यतीत होगा। आपसी संबंधों में भी प्रगाढ़ता आएगी। अगर आप एक रिश्ते में हैं तो बार बार बातों को न दोहराएं। आपको याद रखना है कि किसी को निश्चित रूप से आपके लिए बनाया गया है। जब सही समय आएगा तो कुदरत खुद उस अनमोल उपहार को आपके सामने उपस्थित कर देगी। आप खुद अपने प्यार को आपको ढूंढने दो। तब तक अपने मित्रों और सहयोगियों के साथ अच्छा समय बिताएं और हो सकता है वह उपहार वहीं ही कहीं छुपा हो। अपनी आशा को ना छोड़ें। बात करते हैं करियर की। आप स्वभाव से गंभीर हैं और अपने कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता का फल अब मिलने का समय है। दिन के अंत में प्रमुख वित्तीय लाभ की भी संभावना है जो आपने जिम्मेदारी और कड़ी मेहनत से अर्जित की है। लेकिन आपको केवल जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना से कार्य नहीं करना चाहिए बल्कि कार्यों को करने में हास्य की भावना विकसित करें ताकि आपको कार्य कर आनंद की प्राप्ति हो। व्यवसायिक कार्य प्रणाली और गतिविधियों को किसी से भी शेयर ना करें। कार्यस्थल के ही किसी कर्मचारी द्वारा नुकसान होने की आशंका है। इस समय मार्केटिंग संबंधित कार्यों को स्थगित रखकर कार्य क्षेत्र में ही अपनी उपस्थिति रखें। बात करते हैं सेहत की। आप काफी व्यस्त तो हैं लेकिन इसके कारण अपनी एक्सरसाइज को ना छोड़ें। जिम में आज नई मशीन पर मेहनत करके देखें।
आप फिटनेस के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी कसरतें सीख सकते हैं। अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें, रोज एक्सरसाइज करें। आज का उपाय, आज आप पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।